गड़ाने में भी नियोजित शिक्षकों ने बिहार सरकार के खिलाफ में जमकर आवाज बुलंद किया और कहा कि सरकार जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। नियोजित शिक्षकों ने कहा कि समान काम समान वेतन मान हम लेकर ही रहेंगे। हम लोग बात मानने वाले नहीं है। आज सही में ये जो अवधि है हड़ताल का लंबा चलेगा, तो मैं सर आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि हड़ताल की अवधि में हम सभी जनता से भी रूबरू हो और जनता से भी हम अपनी समस्या को रखें, क्योंकि जनता हमारी समस्या को समझ नहीं रही है कि हमारे साथ क्या समस्या है। हो सकता है आने वाले दिनों में हमारे बच्चे इस पद पर ना आके हमारे जो जनता है पब्लिक है उनके बच्चे इस पद पर आए, तब इस बात को समझेंगे कि क्या दिक्कत है क्या समस्या है। नीतीश जी बोलते हैं कि शिक्षकों के वोट से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है वो क्या करते हैं हम लोग के वेतन काट के। हम लोग की बात मानने वाले नहीं है। आज सही में ये जो अवधि है हड़ताल का लंबा चलेगा, तो मैं सर आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि हड़ताल की अवधि में हम सभी जनता से भी रूबरू हो और जनता से भी हम अपनी समस्या को रखें, क्योंकि जनता हमारी समस्या को समझ नहीं रही है कि हमारे साथ क्या समस्या है। हो सकता है आने वाले दिनों में हमारे बच्चे इस पद पर ना आके हमारे जो जनता है पब्लिक है उनके बच्चे इस पद पर आए, तब इस बात को समझेंगे कि क्या दिक्कत है क्या समस्या है। नीतीश जी बोलते हैं कि शिक्षकों के वोट से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है वो क्या करते हैं हम लोग के वेतन काट के।